हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हम एक्सेल के अंदर एक्सटेंड सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, अगर आपने सिलेक्शन को एक सेल अप करना होगा, जैसे ये इस सेल के आप ऊपर हो, ये C7 नंबर सेल पे आप हो, आपने इस सेल को भी सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट से अप वाला एरो, शिफ्ट अप वाला एरो प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो आपके ये जो सिलेक्शन है ये एक साइड अप हो जाएगा, मतलब दोनों सेल जो है वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इसको राइट की साइड करना हो तो क्या करोगे आप, शिफ्ट के साथ राइट एरो, डाउन की साइड करना होगा तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, और लेफ्ट की साइड करना होगा तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। तो सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट के साथ राइट, लेफ्ट, डाउन और अप एरो को यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे जो सिलेक्शन है वो सेल्स में मूव होती रहती हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आप इस सी नंबर सेल पे हो और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, जैसे आप सेलेक्ट करोगे देखिए आपका पूरा जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से एक ही शॉर्टकट की में हो जाएगा, आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। अगर आप सबसे नीचे वाले सेल पे हो और आपको पूरी रो, पूरे कॉलम को ऊपर तक सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऊपर वाला एरो, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। तो इस शॉर्टकट की से आप पूरा कॉलम को ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर रो नंबर 7 के शुरुआत में हो, बिल्कुल शुरू पे हो, और आप चाहते हो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बिल्कुल बॉटम पे हो इस रो के और आप चाहते हो ये पूरी सिलेक्शन जो है वो शुरू तक हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो आपने प्रेस करना है, ये पूरी रो आपके पास सिलेक्ट होकर आ जाएगी। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ से G11 नंबर सेल पे हो और आप ये चाहते हो कि यहाँ से लेके और A1 तक के सारे सेल हमारे पास सिलेक्ट हो जाए, तो ये सारा जो सिलेक्शन है ये सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कीबोर्ड कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन कीबोर्ड से प्रेस करोगे, देखिए आपके पास जो सिलेक्शन है वो इससे ऊपर तक, टॉप ऑफ द टेबल तक इजीली हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन की हेल्प से हम एक्सपेंड सिलेक्शन टू फर्स्ट सेल इन वर्कशीट कर सकते हैं। अब यहां से आप चाहते हो कि आपके पास लास्ट वर्किंग सेल तक सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंड। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड प्रेस करोगे, देखिए आपके पास लास्ट वर्किंग जो सेल होगा उस तक आपका इजीली ये डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अभी दोस्तों, आप चाहते हो कि ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की हेल्प से। अब ये जो सिलेक्शन है ये एक स्क्रीन डाउन तक चला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन, जैसे आप प्रेस करोगे देखिए एक स्क्रीन तक आपको सेलेक्ट कर देगा पूरा डाटा, एक स्क्रीन तक, यानी कि 22 नंबर होते हैं सेलेक्ट करके दिखा दिया आपको एक स्क्रीन तक, ये देखिए। अगर आप इसके अलावा दोबारा चाहते हो कि एक स्क्रीन और हो जाए, तो आपने दोबारा से शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करना होगा, तो ये एक और स्क्रीन आपके पास सेलेक्ट करके दिखा देगा। तो शिफ्ट पेज डाउन की हेल्प से आप एक एक स्क्रीन डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो एक एक स्क्रीन अप रहे, तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है पहले पूरी रो को और यहाँ से शिफ्ट और पेज अप प्रेस करना है। जैसे शिफ्ट और पेज अप प्रेस करोगे, आपका डेटा जो है वो एक स्क्रीन अप की साइड सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो हम एक्सपेंड सिलेक्शन एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम सेलेक्ट स्पेशल के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की है वो यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।